ये देखिए गाइस कितना अच्छा है। कौन जीता? मगर का बुलाती है मगर जाने का नहीं का नहीं। ए कुत्ता 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 आ गिर गया कुत्ता। एनसी हाँ, आपको भी नाने हैं। चलो एनसी भी कर रही इधर मस्त। अभी इवनिंग हो गई, इवनिंग हो गई और खुदरा एनसी जा रहे हैं नदी के किनारे। उनको नदी जाना है, नदी देखने, तो चलो चलते हैं हम लोग। देखो एनसी, एनसी कहाँ जाइए। एनसी एनसी हाय करो तो। रुद्रा हम कहाँ जा रहे हैं? नदी किनारे। नदी किनारे। हाय गाइस, हम यहाँ पर नदी किनारे जा रहे हैं और ये दीदी बदमाश हो चुकी है। हमें नदी किनारे जा रहे हैं मछली खाने। रुद्रा आ गए नदी में अपने गांव की और साथ में एक्सिता है और कुछ लोग वहाँ पे मच्छी मार मच्छी पकड़ रहे हैं और साथ में गाय भी है सामने और मछगा। तो रुद्रा जा नहा रहे और एनसी भी आ रखी है यहाँ पे। एनसी आपको भी नहाना है? नहीं नहाना। आप जाओ, आपको कैसे पकड़ो मछली। तो देखो जा नहा रहे हो आप, इधर देखो तो नहाना आपको। रुद्रा भी उतर गया नदी में। बस कोई बात नहीं, कोई बात। कपड़े उतारो पहले, आराम से छिप फिसल कपड़े उतारो। वो कब जानी है मैं आई हूँ। चल रुद्रा नदी में नहा रहा है इधर। ओए आराम से आराम से आराम से, हाथ पकड़ दिया दीदी के। हाँ ऐसी जाओ ऐसी जाओ, बैठ 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 दादा। बस यही बनाओ। हाँ एनसी हाँ, आपको भी नहाने हैं। चलो जब जब अंजी रुको। तो गाइस देखिए नदी बह रही है, हम तो खींचे जा रहे थे। मैं आज पहला बार नहा रही हूँ, बहुत ठंड लग रही थी। ओ भाई क्या करूँ भाई, रुद्राक्ष जी रुद्राक्ष भाई, मुझे बहुत ठंड लगती है। मेरा भैया का नाम है, भाई का अक्षत है। ए रुद्रा आराम से चल। रुद्रा आपको कैसे लगा? जड्डू आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं तो फिर क्या करें? रुद्रा जी है तो देखो ये रहा, यहाँ से गाड़ी आती जाती है। ये देखो फिर वहाँ है लोग, वो रहा गहरा पानी, वो बहुत गहरा पानी है बहुत। अभी तो आसमें तो वो अभी हम लोग भंडेली वाले फूल में और यहाँ से रुद्रा आए। रुद्रा आ जाओ आ जाओ। कौन जीता? एक्सीता जीत गई। भागो 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 जल्दी से। रुद्रा जीता। बकरी गॉट। हेलो ये देखिए बकरी, वो किसी और की है, मतलब हमारे पड़ोसी की, कोई तो उनकी होगी, सारी की सारी उनकी है ना। ये मारती मारता है हमारे, हमारा ये बहुत खतरनाक मारता है।
दीदी के हाथ खड़े दिन। आप कहाँ क्यों? कहाँ क्यों आप? हेलो आंटी, आंटी आपका नाम क्या है? आंटी, आंटी ये देखिए गाइस कितना अच्छा। तो अभी हम लोग नदी से नहा के आ गए और अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। अभी हम लोग भंडेली के पुल के पास हैं सामने, और उधर बकरी के बच्चे के साथ मस्ती कर रहे हैं और अक्षिता पीछे से। और हाय करो अंशी, हाय करो। पत्थर पकड़ा खाते नहीं आप? आज तो बादल भी आ रखे हैं आसमान में। तो ये हमारे गांव के कुछ खेत हैं, यहाँ पे हम लोग धान की रुपाई करा करते थे एक टाइम पे। तो अभी शायद नहर का इशू है, पानी नहीं आ रहा नहर में, ऊपर से नहर, और इस चक्कर में लोगों ने भी धान की रुपाई करनी बंद कर दी थी। और कुछ लोगों ने कर रखी है साइड में, तो दूसरे पानी का यूज करते हैं वहाँ पे जो नदी का रहता है उस साइड। और बाकी अभी लोग धान की रुपाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं तो आज से 7-8 साल पहले भी यहाँ पे धान की अच्छी खासी रुपाई, मतलब सारे खेत धान की रुपाई हुआ करती थी, लेकिन अभी लोगों ने धान की रुपाई करना बंद कर दी जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर, है ना, क्योंकि अभी पानी का दिक्कत आ रहा है यहाँ पे। धान की रुपाई में पानी बहुत ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा मतलब बहुत पानी लगता है धान की रुपाई में, और उसके बाद रेगुलर उसको 3-4 महीने तक पानी देना थोड़ा सा इशू हो जाता है पानी का। इस चक्कर में लोगों ने भी धान की रुपाई बंद कर, लेकिन ये है कि खेत चालू, ऐसा नहीं खेत लोग कर नहीं रहे, खेत कर रहे हैं, लेकिन कुछ और फसल बो रखी लोगों ने शायद यहाँ पे धान की रुपाई ना करके। और यहाँ पे हम लोग आगे और उधर एनसी की मस्ती बराबर चल रही है, वो फिर हम लोग निकल लेंगे यहाँ से घर के लिए, है ना। यहाँ से 2 किलोमीटर, और अगर हम रोड बाय रोड चलेंगे 2 किलोमीटर हमें पड़ेगा अपना घर। और अगर हम लोग पुराना रास्ता अपनाएंगे जो पैदल मार कर, तो 1 किलोमीटर पे अपना घर आ जाएगा यहाँ से, है ना। और अच्छी तौर पर से चला रही है हमसे ऐसे, चलो। हाँ तो थलीसेन यहाँ से लगभग आपको 6 किलोमीटर पड़ेगा, और बैजरो 17 किलोमीटर बता रहा है, और पौड़ी 96 किलोमीटर पौड़ी पड़ेगा। और डिस्ट्रिक्ट लक्की नाम है, कौन से उसमें पड़ते हैं पीछे मोड़ तो ना क्या लिखा है, जेएनबी पौड़ी गढ़वाल, जेएनबी मतलब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अच्छा जवाहर नवोदय विद्यालय। यहाँ से चौक हाल है 29 किलोमीटर, अगर लेफ्ट चलते हैं हम स्ट्रेट जाएंगे तो बैजरो, और जसपुर खाल भी इधर लेफ्ट से जाना पड़ेगा आपको, चौखाल वाले रास्ते जसपुर खाल से 10 किलोमीटर से किसी ने उस पर छेड़खानी करी है। ये देखो अभी एक बंदर को भगा रहे थे यहाँ से, बहुत बड़े बंदर को भगा रहे थे, तो एक गढ़वाल में ही काम करते हैं बंदरों को भगाते हैं, फसल का नुकसान करते हैं बंदर को भगाने काम करते हैं। इस पे शर्ट पे देखो क्या लिखी है, क्या लिखा, बुलाती है मगर जाने का नहीं, समझे, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, आती है मगर जाने का नहीं। ओए कुत्ता 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 कुत्ता, गिर गया कुत्ता। क्या नाम है, क्या नाम है तेरा? राहुल, राकेश, राकेश, चल राकेश चलो देखो वैसा क्या लिखा भाई के सेट पे है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसमें हम लोग पहले घिसलन पट्टी खेला करते थे इस पहाड़ी पे, ऊपर से घिसलन पट्टी, और ये हमारे गांव का पहला रास्ता है यहाँ से पैदल पैदल वाला, हमेशा पानी अवेलेबल रहता है। ये है नेचुरल, नेचुरल क्या बोलते हैं, स्रोत है वाटर का ना, रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स है वाटर का, जो कि ऊपर पहाड़ी से आता है, इन्हीं की यूँ कह सकते हो आप, पांच के पेड़ के जड़ों से आता है, और वह ठंडा पानी होगा पीने लायक, यहाँ पे हमेशा पानी मिलेगा आपको, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, इवन
बहुत सारी गर्मी भी यहाँ पे पानी अवेलेबल रहता है। तो अभी हम पैदल रास्ते चल रहे हैं, यहाँ का पुराना पैदल मार्ग। आधी चढ़ाई हो रही है। दीदी ये देखो, ये हमारे गांव का रास्ता है और हम लोग वहाँ नदी में गए थे ना नीचे, तो वहाँ से हम यहाँ पर पहुँच गए अभी तक। और अभी ऊपर ये चढ़ाई चढ़नी हमने और वो धार के उस साइड हमने अभी जाना है। इस तरीके का रास्ता है और ये जा रहे हैं चढ़ाई में ऐसे रुद्रायन रुद्रा और रक्षिता, हम इधर से शॉर्टकट मान लेंगे। तो रुद्रा वो चल रहे हैं, रक्षिता इधर चल रही है पहाड़ी पे। पापा चलो।